वो आप जाग गई हैं क्या? अच्छा जी, वो तो काफी देर से उठ गई हैं। अपनी दोस्त के साथ ब्रेकफास्ट के लिए गई हैं। गुड। वैसे मेरा ख्याल है हमें भी किसी दिन ब्रेकफास्ट प्लान करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एक काम करते हैं ना, इसी संडे प्लान कर ले। परफेक्ट, मैं मम्मी को भी बता दूंगी। वह चाय दीजिएगा। बुआ जी, चाय? कहाँ है ध्यान आपका? आपको तो यहाँ मौजूद है, लेकिन जहन आपका कहीं और है। बस बीबी जी, क्या बताऊँ, मेरी तो परेशानी एक ही से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है। आप यकीनन रूही की बात कर रही हैं। क्या हुआ है उसे? अब क्या बताऊँ, अभी शादी को देने कितने हुए और ससुराल छोड़कर आ बैठी है और किसी की सुनती भी नहीं है। क्यों बुआ, आपने तो बताया सब कुछ ठीक है। मैंने आपको मना भी किया था कि उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी मत करें। उसकी मर्जी से नहीं कर सकती। अगर उसकी मर्जी से की ना तो बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। क्या मतलब? वो किसी शादीशुदा आदमी के साथ शादी करना चाहती है। आप ही बताइए बीबी जी, क्या ये सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो आप ये करें, आप एक दो दिन में उसको लेकर आए मेरे पास, मैं उसको समझाती हूँ, खुद बात करती हूँ उससे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती अनीशा, क्या हो गया? मेरा मतलब है अनीशा, समझने की कोशिश करो, अच्छा नहीं लगेगा। हम उनके आपसी मामले में यूं दखलंदाजी थे।